हेलो गाइस, दिस नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कॉटन के इंसेक्ट पेस्ट और उनके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन होता क्या चीज़ है? कॉटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप विच इज़ ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉटन का बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम हिर्सुटम। ये जो है वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि कॉटन जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बैकबोन कहलाता है। इंडिया की जीडीपी का लगभग 7% हिस्सा कॉटन का ही होता है। इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 60 मिलियन पीपल इन इंडिया। अबाउट 45% वर्ल्ड्स फाइबर नीड टू मेड फ्रॉम कॉटन। 10% ऑफ वर्ल्ड्स एडिबल ऑयल इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, क्योंकि कॉटन के सीड से जो ऑयल निकाले जाते हैं वो एडिबल होते हैं, उन्हें खाया जाता है। कॉटन जो है मेनली उसके रेशे के लिए उसका कल्टीवेशन होता है, बट इसका रॉ कॉटन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल पर्पस एंड लिंटर्स आर यूज्ड इन कुशंस एंड पिलोज एट्सेट्रा। लिंटर्स आल्सो यूज टू हाई ग्रेड पेपर्स, रेन, फिल्म्स, एक्सप्लोजिव्स एट्सेट्रा। जो क्रश्ड जो सीड होता है उसको क्रश करके उससे जो ऑयल निकाला जाता है वो एडिबल होता है, उसे खाया जाता है। और जो ऑयल निकालने के बाद जो केक्स बचते हैं वो कैटल फीड में उनका उपयोग किया जा सकता है। कॉटन जो है बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से अफेक्टेड होता है, जिनमें से कुछ मेजर पेस्ट जो हैं वह है कॉटन जैसिड, कॉटन एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, रेड कॉटन बर्ग एंड बॉल वॉर्म्स। बॉल वॉर्म्स कई प्रकार के होते हैं। मेनली 3 टाइप के बॉल वॉर्म्स होते हैं, अमेरिकन बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म और पिंक बॉल वॉर्म। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन जैसिड के बारे में। कॉटन जैसिड साइंटिफिक नेम एमरेस्का बिगुटुला बिगुटुला, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली सिसेडिलिडी। ये जो है पूरे ऑल इंडिया में पाए जाते हैं। जहाँ भी कॉटन की खेती होती है हर जगह एमरेस्का बिगुटुला बिगुटुला पाए जाते हैं। इसके अलावा एमरेस्का बिगुटुला बिगुटुला पोटैटो, ब्रिंजल, कैस्टर, ओकरा, टोमेटो, सनफ्लावर एट्सेट्रा क्रॉप में अटैक करते हैं। ये जो है सकिंग पेस्ट होते हैं, इसलिए इनके निम्फ और एडल्ट दोनों ही प्लांट्स के टेंडर पार्ट से सेल सैप को शक करते हैं और पत्तियों की निचली सतह पे बने रहते हैं। अक्सर पत्तियों को निचली सतह से ही पौधों से सेल सैप शक करते हैं। टेंडर लीव्स टर्न्स येलो, लीफ मार्जिन्स कर्ल डाउनवर्ड, क्योंकि निचली सतह से ये रस चूसते हैं, इस वजह से जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ कर्ल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इन द केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन लीव्स गेट ब्रॉन्ज और ब्रिक रेड कलर विच इज टिपिकल हॉपर बर्न। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ कॉटन जैसिड विच इज शोन इन द फिगर। एंड द एडल्ट इज वेज शेप्ड, अबाउट 2 mm लॉन्ग एंड पेल ग्रीन इन कलर। द फ्रंट विंग हैव अ ब्लैक स्पॉट ऑन देयर पोस्टीरियर पार्ट्स। द निम्फ आर विंगलेस एंड आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ लीव्स। दे वॉक्स इन डायगोनल डायरेक्शंस ऑफ देयर बॉडी। दैट मीन्स ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जिग जैग मोशन करते हैं, इसलिए इनको हम अलग पहचान सकते हैं। इनका जो विंग होता है फ्रिंड होते हैं। नेक्स्ट है इनके लाइफ साइकिल। अगर इनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो एडल्ट ग्रीन कलर्ड होते हैं, वेज सेट, जो कि सिंगल सिंगल अंडे देते हैं पत्तियों के वेंस के ऊपर। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक पीरियड, वो लगभग 4 से 11 दिन का होता है, और इनका टोटल लाइफ साइकिल लगभग 20 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। ये 1 साल में लगभग 11 to 12 जनरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इनका नेम्फल स्टेज 7 से 21 दिन तक होता है। टोटल लाइफ साइकिल लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है एवरेज, बट मैक्सिमम इनका लाइफ साइकिल 45 डेज तक हो सकता है।
इनके मैनेजमेंट के लिए हमें अर्ली शोइंग करनी चाहिए एंड क्लोज स्पेसिंग ऑफ कॉटन रिड्यूसेस पेस्ट इन्फेस्टेशन पार्टिकुलरली इफ द रेनफॉल इज हैवी। सेटअप लाइट ट्रैप टू मॉनिटर द ब्रूड ऑफ लीफ हॉपर एंड टू अट्रैक्ट एंड किल। रिलीज प्रीडेटर्स लाइक क्राइसोपर्ला और ट्राइकोग्रामा एट्सेट्रा, या फिर हम किसी प्रकार के केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक मोनोक्रोटोफास एंडोसल्फान या फिर मैलाथियन एट्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड NSKE 5% एट द रेट ऑफ 20 kg पर हेक्टेयर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉटन एफिड। कॉटन एफिड एपिस गोसिपी इज अ मेम्बर ऑफ ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एफिडिडी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द इंडिया। ओकेजनली इट विल बी सीरियस पेस्ट इन कॉटन बट इट इज माइनर पेस्ट। ये जो है कॉटन के अलावा भिंडी ब्रिंजल चिली गुआवा टोमेटो पोटैटो एट्सेट्रा में अटैक करते हैं। इनका डैमेजिंग सिम्टम्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दिस सक द सैप एंड कॉज स्टंटेड ग्रोथ ग्रेडुअल ड्राइंग रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ द प्लांट। इट इज ऑल्सो अ वेक्टर ऑफ येलो वेन मोजेक एंड लीफ कर्ल मोजेक। इट इन केस ऑफ सिवियर इन्फेस्टेशन ब्लैक सूटी मोल्ड डेवलप्स ऑन हनी ड्यू सिक्रेटेड बाय एफिड्स। ड्यू टू हनी ड्यू फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूसेस एंड प्लांट बिकम वीक। लिप कर्ल्स लिप टर्न्स डाउनवर्ड। इट इन क्लाउडी वेदर द इन्फेस्टेशन इज हायर बिकॉज जो है क्लाउडी वेदर में टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड बने रहते हैं। इस वजह से ये जो कंडीशन होता है इनके लिए मोस्ट फेवरेबल होता है। दिस द डायग्राम ऑफ कॉटन एफिड एपिस गोसिपी विच इज इन द अंडर साइड ऑफ द लीव। द एफिड इज ग्रीनिश ब्राउन सॉफ्ट बॉडीड एंड स्मॉल इंसेक्ट एप्टेरस फीमेल मल्टीप्लाई पार्थेजेनेटिकली एंड विविपेरेसली। अ सिंगल फीमेल में प्रोड्यूस 8 to 22 निम्फ इन अ डे विच बिकम एडल्ट इन अबाउट 7 to 9 days। टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन अबाउट 15 to 20 days। पॉपुलेशन इंक्रीज इन क्लाउडी वेदर एंड इन मोर देन 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 80% से उससे अधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पे इनका जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें NSKE 5% या फिर एजाडिरेक्टिन 0.03% का भी यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल डेमेटोन या इमिडाक्लोप्रिड या थायोक्लोप्रिड जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज थ्रिप्स। थ्रिप्स इज ऑल्सो अ सकिंग पेस्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर थाइसनोप्टेरा फैमिली 3PD। थ्रिप्स इज अ स्मॉल हेमी मेटाबॉलिक इंसेक्ट विच इज डिस्टिंक्टिव सिगार सेप। ये जो है सिगार सेप होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं। ऑर्डर थाइसनोप्टेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होती। दे आर इलोंगेटेड विथ ट्रांसवर्सली कॉन्स्ट्रिक्टेड बॉडीज। दे रेंज इन द साइज फ्रॉम 0.5 to 14 mm बट मोस्ट थ्रिप्स आर अबाउट 1 mm इन लेंथ। थ्रिप्स हैव एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स दैट आर ऑल्सो यूनिक टू द ग्रुप। जैसे कि मैंने पहले बताया इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होता। दिस ये जो है एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनका जो राइट मैंडिबल होता है वो रिड्यूस्ड होते हैं। अनलाइक द हेमिप्टेरा एंड द राइट मैंडिबल ऑफ थ्रिप्स इज रिड्यूस्ड एंड वेस्टाइजल। द मैक्सिलरी स्टाइलेट एंड हाइपोफेरिंग्स आर इंसर्टेड इन टू द ओपनिंग ऑफ ब्रेन सेलुलर फ्लूइड्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉटन थ्रिप्स।
डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस फाउंड वर्ल्ड वाइड एंड इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया एज अ मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन। मेजर पेस्ट कॉटन के मेजर पेस्ट के रूप में ये पूरे वर्ल्ड में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। ये जो है कॉटन के अलावा कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, टोबैको, टोमेटो, कोकुम्बर, ब्रिंजल, टी, पाइनएप्पल, चिली, रेडिस, क्रेप्स, गार्लिक, अनियन एट्सेट्रा पे भी अटैक करते हैं। मेनली चिली और अनियन पे ये ज़्यादा अटैक करते हैं। इनका डैमेजिंग सिम्टम्स जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हेवी फीडिंग होने पे सिल्वरी अपेयरेंस, सिल्वरी अपेयरेंस इनकी वजह से दिखाई देता है। इनके अफेक्ट इनका इन्फेस्टेशन होने पे इनके जो निम्फ होते हैं और एडल्ट दोनों ही प्लांट सेल से प्लांट टिश्यू से सैप को सक कर जाते हैं। और प्लांट इस वजह से प्लांट विल बी स्टंटेड इन द फर्स्ट व्यू। दिस डायग्राम ऑफ सिल्वरी अपेयरेंस और इन्फेस्टेड प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट बाय थ्रिप्स। इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो एडल्ट जो फीमेल होती है वो एडल्ट फीमेल जो होती है वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा एक्टिव होती है और ये सिंगल अंडे देती है। इनके जो एग होते हैं ये लगभग 3 से 4 दिन में हैच हो जाते हैं, जिससे न्यूली हैच निम्फ बाहर निकलते हैं और ये निम्फ पूरे ये जो निम्फ होते हैं पूरे लगभग 10 से 15 दिन तक फीड करते हैं और पूरे प्लांट्स में फैल जाते हैं। द एडल्ट फीमेल लिव्स फॉर 2 to 4 weeks। द एडल्ट फीमेल लेज 50 to 60 किडनी सेप एक सिंगली इन द स्लिट्स मेड इन द लिप टिश्यू विद द साफ ओविपोजिटर। ये ओविपोजिटर से पहले स्लिट्स मेक करती है, स्लिट्स बनाती है पौधों के पत्तियों पे, उसके ऊपर ये अंडे देते हैं। अंडे जो है 3 से 5 दिन में हैच हो जाते हैं, जिससे जो लार्वे हैं सॉरी जो निम्फ हैं वो बाहर निकलते हैं और निम्फ लगभग 10 दिन में एडल्ट बन जाते हैं। इनका जो टोटल लाइफ साइकिल है लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। एक इस प्रकार से इनका जो लाइफ साइकिल है एक साल में कई लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। मैक्सिमम इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होने पे ये जो है पूरे एक साल में 20 जनरेशन तक कंप्लीट कर सकते हैं। दिस द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, नीम सीड एक्सट्रैक्ट का यूज़ करनी चाहिए, उसके अलावा मेलाथियान या मेथाइल डिमेटान का स्प्रे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबेकाई, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली एलिरोडीडी। ये जो इंसेक्ट होते हैं व्हाइटिश कलर के होते हैं, जिनकी पूरी बॉडी और विंग्स वाइट स्केल्स से ढके हुए होते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये भी सकिंग पेस्ट होते हैं, जो कि इंडिया के अलावा श्रीलंका, वेस्ट अफ्रीका, जापान, यूरोप इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। ये पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं, जो कॉटन के अलावा और बहुत सारे क्रॉप में अटैक करते हैं, जस्ट लाइक टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, स्वीट पोटैटो, कसावा, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मेलन, ब्रिंजल, भिंडी एट्सेट्रा। इनके डैमेजिंग सिम्टम्स के रूप में एफिड के तरह ही दिखाई देते हैं। निम्फ एंड एडल्ट बोथ सेप द सक द सैप फ्रॉम अंडर सरफेस ऑफ लीव्स एंड टेंडर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सीवियर इन्फेस्टेशन रिजल्ट इन प्री मेच्योर डिफोलिएशन, डेवलपमेंट ऑफ सूटी मोल्ड, शेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड पुअर बॉल ओपनिंग। इट ऑल्सो ट्रांसमिट द लीफ कर्ल वायरस डिसीज ऑफ कॉटन एंड द इंसेक्ट इज हाई पॉलीफेगस, हाईली पॉलीफेगस। ये जो मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो इंसेक्ट है पॉलीफेगस होता है, ये हर प्रकार के क्रॉप को डैमेज कर सकता है।
एडल्ट इज अ माइन्यूट इंसेक्ट विथ येलो बॉडी कवर्ड विथ वाइट वैक्सी ब्लूम। मैंने पहले ही बताया जैसे कि इनका जो पूरी बॉडी होती है और विंग्स वाइट वैक्सी स्केल्स से ढके हुए होते हैं। इंसेक्ट्स आर लेड ऑन लीव्स, पत्तियों के ऊपर अंडे देती हैं और अंडों का हैचिंग 3 से 4 दिन में हो जाते हैं। निम्न जो है जनरली येलो ओवल कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ग्रीनिश येलो कलर के ओवल शेप होते हैं। निम्फल पीरियड इज अबाउट 5 to 33 days इन समर एंड 17 to 73 days इन विंटर। फेवरेबल कंडीशन होने पे इनका जो निम्फल स्टेज है जल्दी कंप्लीट हो जाता है और ये एडल्ट बन जाते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें टाइमली सोइंग करनी चाहिए, रिकमेंडेड स्पेसिंग का यूज़ करना चाहिए। प्रिफरेबली वाइडर स्पेसिंग इज इसेंशियल, अवॉइड लेट सोइंग, हमें लेट सोइंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ होते हैं उनका भी यूज़ करना चाहिए, जो कि वाइट फ्लाई मेनली बहुत सारे वायरल डिसीज़ के वैक्टर्स भी होते हैं। एडॉप्ट क्रॉप रोटेशन विथ नॉन प्रिफर्ड होस्ट सच ए सोगम एंड मेज एटसेट्रा टू चेक द बिल्डअप ऑफ द पेस्ट। नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो यूज एनएसके, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट और फिश ऑयल रोजिन सॉप। 1 kg पर 40 लीटर वाटर की दर से हमें यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक इमिडाक्लोप्रिड, इथियोन, ट्राइजोफास जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड कॉटन बर्ग। रेड कॉटन बर्ग इज ऑल्सो अ पॉलीफेगस पेस्ट। रेड कॉटन बर्ग ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली पायरोकोरिडी। ये जो इंसेक्ट होते हैं रेड कॉटन बर्ग, ये दिखने में रेड कलर के होते हैं जिन पे ब्लैक कलर के मार्किंग्स होते हैं। द एडल्ट बर्ग्स मेजर्स अबाउट 12 to 15 mm इन लेंथ। द फीमेल्स आर लॉन्गर 15 mm देन द मेल 12 mm। जो मेल होती है सॉरी जो फीमेल होती है मेल से ज़्यादा बड़ी होती है। इट हैज़ रेड ब्लड रेड इन कलर एक्सेप्ट आइज। स्क्यूटेलम एनल स्टाइल एंड एंटीनी विच आर ब्लैक कलर्ड। बिसाइड देयर इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस फोविंग्स। एडल्ट बर्ग मेजर्स ए सीरीज ऑफ वाइट ट्रांसवर्स बैंड आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन। इनके जो एब्डोमेन है उसके निचले हिस्से पे सफ़ेद कलर की पट्टियाँ दिखाई देते हैं। इनका जो माउथ पार्ट्स होता है पेस्टिंग एंड सकिंग टाइप होता है, जो कि काफ़ी लंबे और स्ट्रेट होते हैं रोस्ट्रम की तरह। द निम्फ आर स्मॉलर देन एडल्ट एंड आर विंगलेस। अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 35 से 60 दिन तक चलता है। इनका जो एक जो एडल्ट फीमेल होती है मैच्योर फीमेल, वो अपने लाइफ साइकिल में 70 से 80 अंडे क्लस्टर्स में देती है सोयल के अंदर या फिर क्रॉप रेसिड्यू के ऊपर। एक से जो एग होते हैं स्पेरिकल शेप्ड येलोइश कलर के होते हैं जिनका साइज 1.1 mm तक हो सकता है। आफ्टर 7 days इनक्यूबेशन पीरियड एंड मॉइस्ट वेदर एग्स आर हेज्ड इनटू एक्टिव 1 mm लॉन्ग रेड कलर्ड निम्फ। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनमें इनका एग का हैचिंग 7 दिन में होता है। फेवरेबल कंडीशन होने पे 3 से 4 दिन में भी अंडे का हैचिंग हो सकता है। द निम्स फीड ग्रेगरियसली ऑन द कॉटन बॉल। द निम्स अंडरगो 5 molts विद इन 49 to 89 days टू रीच एडल्ट स्टेज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इस वजह से इनका जो लाइफ साइकिल है एवरेज 35 to 60 days तक चलता है। बट रेयर कंडीशन में इनका जो लाइफ साइकिल है 90 डेज तक हो सकता है।
इन विंटर द लाइफ साइकिल ऑफ द एडल्ट इज अबाउट 3 मंथ्स, बट इन समर इट इज वराइड। पेस्ट ब्रीड ऑन कॉटन फ्रॉम अगस्त नवंबर, टेक्स शेल्टर अंडर लीव्स एंड टेबरेज फ्रॉम दिसंबर मिडिल ऑफ मार्च, एंड फीड्स ऑन भिंडी फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। द लाइफ साइकिल ऑफ बग्स इज कंप्लीटेड विद इन 6 to 8 weeks। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सकिंग पेस्ट होते हैं, जिनका माउथ पार्ट्स पेर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, जो हाईली अडोप्टेड होता है प्लांट सेप को शक करने के लिए। बोथ निम्फ एंड एडल्ट जो होते हैं वो प्लांट्स के टेंडर पार्ट से सेप को शक करते हैं। मेनली ये जो है प्लांट्स के बॉल्स और फ्लावर बर्ड्स पे ज़्यादा अटैक करते हैं। इफ़ द अटैक इज सीवियर, बॉल्स ओपन बैडली एंड द लिंट इज ऑफ पुअर क्वालिटी। इन एडिशन दे ऑल्सो फीड ऑन द सीड्स एंड लोअर देयर ऑयल कंटेंट एंड लो परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन। सच सीड आर अनफिट फॉर सोइंग। इनके कंट्रोल के लिए हमें डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए। इंसेक्ट शुड बी हैंड पिक्ड एंड किल्ड इन केरोसिन वाटर। द क्रॉप्स ऑफ भिंडी शुड बी शॉन एज ट्रैप क्रॉप एंड पेस्ट कलेक्टेड देयर शुड बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि हम भिंडी और जो कॉटन है दोनों सेम फैमिली के क्रॉप होते हैं, इसलिए हम कॉटन के चारों तरफ भिंडी को ट्रैप क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक मैलाथियॉन, फास्फोमेडॉन, फेनिट्रोथियॉन एटसेट्रा का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटन बॉल वॉर्म्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉटन बॉल वॉर्म्स 3 टाइप के होते हैं, अमेरिकन बॉल वॉर्म, पिंक बॉल वॉर्म और स्पॉटेड बॉल वॉर्म। तो आज हम तीनों बॉल वॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है अमेरिकन बॉल वॉर्म, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा जो है फैमिली नॉक्टुरी ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा के मेंबर्स होते हैं। इनके जो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके एडल्ट मीडियम साइज होते हैं, जिनका विंग स्पैम के साथ में 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और जो लार्वी होते हैं उनकी लंबाई, उनकी लेंथ 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये पॉलीफेगस होते हैं। अमेरिकन बॉल वॉर्म इज हाईली पॉलीफेगस इन नेचर। ये जो इंसेक्ट हैं ये कॉटन के अलावा टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ओकरा, ग्राम, पी एट्सेट्रा हर क्रॉप में अटैक करते हैं। ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो होता है ये ग्राम पोट बोरर या टोमेटो फ्रूट बोरर के नाम से भी जाना जाता है, और से मेज में ये कॉप बोरर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये ग्राम और मेज दोनों के मेजर पेस्ट हैं। इनके सिम्टम्स के रूप में बॉल सोइंग, रेगुलर सर्कुलर बोर होल्स, लार्वे सीन फीडिंग ऑन द बॉल बाय थ्रशिंग देयर हेड्स एलोन इन साइड एंड लीविंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी आउटसाइड। ये जो इंसेक्ट होते हैं सेम कॉटन ग्राम की तरह अपने सिर्फ मुंडी अंदर घुसा के बाकी पूरी बॉडी बाहर लटकी हुई होती है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलर फेशियल पैलेट्स आउटसाइड द बोर होल। इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं सॉलिड एक्सक्रीटा, वो ग्रेनुलर फॉर्म में हमें बॉल के बाहर दिखाई देते हैं। अ सिंगल लार्वा कैन डैमेज अबाउट 30 to 40 बॉल्स। इनके जो एग होते हैं स्पेरिकल शेप्ड क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं, जो कि सिंगल सिंगल होते हैं। लार्वा शोज कलर वेरिएशन फ्रॉम ग्रीनिश टू ब्राउन। इट हैज़ डार्क ब्राउन ग्रे लाइंस ऑन द बॉडी विथ लेटरल वाइट लाइंस एंड ऑल्सो हैज़ ए डार्क एंड पेल बैंड्स। जैसे कि मैंने पहले हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के बारे में मैंने पहले अदर क्रॉप्स में बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। प्यूपा जो होते हैं ब्राउन कलर होते हैं, अर्धन प्यूपा बनाते हैं। एडल्ट लाइट पेल ब्राउन इस कलर के होते हैं और ये मीडियम साइज होते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए
हमें कंटिन्यूअस क्रॉपिंग को ब्रेक करना चाहिए, साथ में मोनोक्रॉपिंग को भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। कॉटन के साथ में हमें किसी प्रकार के नॉन लेगमिनस क्रॉप का यूज़ करना चाहिए, फिर नॉन हॉस्ट प्लांट का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बायो बायो कंट्रोल एजेंट्स जस्ट लाइक पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा या ब्रैकोनिड्स एट्सेट्रा को हम फील्ड में रिलीज कर सकते हैं। और कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं जस्ट लाइक फैसोलोन, क्विनोल फॉस, कार्बोरिल, साइपरमेथ्रिन एट्सेट्रा, इनका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज पिंक बॉलवॉर्म, पेक्टिनोफोरा गोसिपेला। पेक्टिनोफोरा गोसिपेला जो है ये भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली गैल्सिडी के मेंबर होते हैं, जो कि मीडियम साइज्ड इंसेक्ट हैं। इनकी जो लार्वी होती है पिंकिस कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, और एडल्ट ब्राउन कलर के होते हैं। इनके सिम्टम्स के रूप में रोजेट फ्लावर्स, दैट मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं वो रोजेट्स होते हैं, द होल्स ऑफ एंड्री प्लग्ड बाई एक्सक्रीटा ऑफ लार्वे विच आर फीडिंग इन साइड द सीड कर्नल्स। सीड कर्नल्स के ये इनके लार्वे पोर्स के अंदर, बॉल्स के अंदर घुसने के बाद बाहर से अंदर से उसे एक्सक्रीटा से पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दे कट विंडो होल्स इन द टू एडजॉइनिंग सीड्स, देयर बाई फॉर्मिंग डबल सीड्स। द अटैक्ड बर्ड्स एंड इमेच्योर बॉल्स ड्रॉप ऑफ। जो अटैक्ड बर्ड्स होते हैं या वो इमेच्योर कंडीशन में ही ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके लार्वा में काफ़ी वेरिएशंस, कलर वेरिएशंस देखने को मिल सकता है, वाइटिश से लेके पिंक कलर के या ब्लैक ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। एडल्ट जो है स्मॉल मीडियम साइज मौत होते हैं, जिनके फोर विंग ब्राउन कलर के होते हैं और हाइंड विंग जो है डल येलो कलर के होते हैं। हाइंड विंग्स मार्जिन आर डीपली फ्रिंज्ड। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें क्लीन कल्टीवेशन का अपनानी चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन दैट मीन्स अल्टरनेट होस्ट को हमें रिमूव कर देना चाहिए, फॉरेन लिप्स को हमें रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। उसके अलावा क्रॉप रेसिड्यू को भी हमें नष्ट कर देनी चाहिए। डीप समर प्लोइंग भी इसके लिए हम कर सकते हैं, हाइबरनेटिंग कंडीशन में जो लार्वे या प्यूपा होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए, अवॉइड लेट सोइंग। और उसके अलावा एक पैरासिटॉइड जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा चिरोनिस, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर लार्वल पैरासिटॉइड जस्ट लाइक ब्रैकोनिड्स, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड जस्ट लाइक क्विनोल फॉस या ट्राइजोफॉस एट्सेट्रा भी हम स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज स्पॉटेड बॉलवॉर्म, इरिस विटेला। इरिस विटेला इज ऑल्सो मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन, विच इज ऑल्सो अ मेजर पेस्ट ऑफ ओकरा। ओकरा में हम इसे शूट एंड फ्रूट बोरर के नाम से जानते हैं। इरिस विटेला कॉटन, जो कॉटन में स्पॉटेड बॉलवॉर्म्स के नाम से हम जानते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं ऑर्डर लेप्टोप्टेरा फैमिली नॉक्टुडी के मेंबर्स होते हैं, ये हाईली पॉलीफेगस होते हैं। इट हैज चिविंग, इट इज ऑल्सो अ चिविंग इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन दैट कॉज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू कॉटन क्रॉप्स। इनके सिम्टम्स के रूप में ड्राइंग, ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग ऑफ टर्मिनल सूट्स, शेडिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड यंग बॉल्स, फ्लेयरिंग अप ऑफ ब्रैक्स एट्सेट्रा हमको देखने को मिल सकता है। हॉल्स ऑन बॉल्स एंड रोटिंग ऑफ बॉल्स इज ऑल्सो अ ग्रेट सिम्टम ऑफ स्पॉटेड बॉल वॉर्म। इनका आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत ही आसान है, इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इनका लार्वे ब्राउनिश विथ वाइट स्ट्रिक्स डॉर्सली एंड पेल येलो वेंट्रली विदाउट फिंगर शेप्ड प्रोसेस। एडल्ट आर स्मॉल बफ कलर्ड, फोर विंग्स आर पी ग्रीन विथ अ वेज शेप्ड वाइट बैंड रनिंग फ्रॉम बेस टू द मार्जिन। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें मैन्युअली कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए।
ट्रैप क्रॉप का यूज़ करनी चाहिए या फिर फेरोमोन ट्रैप या फिर लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। कंजर्व एंड इनकरेज द एक्टिविटी ऑफ स्पाइडर्स लाइक थॉमिसस स्पीसीज। उसके अलावा हम रिलीज़ कर सकते हैं ट्राइकोग्रामा पैरासिटॉइड को या फिर ब्रैकोनिड्स को। मैच्योरिटी स्टेज में क्विनॉल फॉस या फैसोलोन का भी स्प्रे कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।